सो हेलो एंड वेलकम गाइस, इस वीडियो उन लोगों के लिए होने जा रही है जो लोग मूवीज और सीरीज को हिंदी में देखना पसंद करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने वाले हैं उन मूवीज और सीरीज के बारे में जो आप सभी को हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स पर इस महीने यानी नवम्बर के महीने में। तो आइए जानते हैं कि कितनी मूवीज और सीरीज है वो आपको देखने को मिलने वाली है इस नवम्बर नेटफ्लिक्स पर। तो फर्स्ट नंबर पे है मीट मी नेक्स्ट क्रिसमस। जी हाँ गाइस, ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा टाइप की मूवी है जो आप सभी को 6 नवम्बर को हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको 6 नवंबर को पेड्रो पेरामो नाम की एक मेक्सिकन ड्रामा टाइप की मूवी देखने को मिलेगी हिंदी डब में। इसके बाद आप सभी को द केज सीजन 1 देखने को मिलेगी जो एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा टाइप की मूवी। सारे एपिसोड आपको 8 नवंबर को हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको 8 नवंबर को हिंदी डब में बैंक अंडर सीज देखने को मिलेगी जो एक थ्रिलर क्राइम ड्रामा टाइप की सीरीज होने जा रही है। इसके बाद आप सभी को 8 नवंबर को इन्वेस्टिगेशन एलियन देखने को मिलेगी जो एक डोकू टाइप की सीरीज होने जा रही है। ये आपको 8 नवंबर को हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको 8 नवंबर को एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा सीरीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है मिस्टर प्लांटन जो आप सभी को हिंदी डब में 8 नवंबर को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप सभी को सिस्टर्स फ्रॉड सीजन 1 देखने को मिलेगी हिंदी डब में जो एक मेक्सिकन ड्रामा होने जा रही है। 13 नवंबर को आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको हॉट फ्रॉस्टी देखने को मिलेगी जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा टाइप की मूवी है। इसकी हिंदी डब आपको 13 नवंबर को ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको 14 नवंबर को बियॉन्ड गुड बाय नाम की एक जेपनीज ड्रामा देखने को मिलेगी हिंदी डब में। इसके बाद 14 नवंबर को हिंदी डब में आपको द लॉस्ट चिल्ड्रन देखने को मिलेगी जो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी होने जा रही है। इसके बाद 20 नवंबर को आप सभी को हिंदी डब में एडोएसन नाम के एक इटालियन मिस्ट्री ड्रामा देखने को मिलेगी। इसके बाद आप सभी को 20 नवंबर को ही आवर ओशियंस देखने को मिलेगी जो एक साइंस फिक्शन नेचुरल टाइप की डॉक्यूमेंट्री मूवी होने जा रही है यानी सीरीज होने जा रही है जो आप सभी को हिंदी डब में 20 नवंबर को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप सभी को जीटी मैक्स नाम की एक एक्शन एडवेंचर क्राइम ड्रामा टाइप की मूवी देखने को मिलेगी हिंदी डब में 20 नवंबर को। इसके बाद आप सभी को 20 नवंबर को ही द मेरी जेंटलमैन देखने को मिलेगी जो हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी और ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा टाइप की मूवी होने जा रही है। इसके बाद आपको 21 नवंबर को अ मैन ऑन द इनसाइड देखने को मिलेगी जो एक सिटकॉम्स कॉमेडी क्राइम ड्रामा टाइप की सीरीज है। सारे एपिसोड 21 नवंबर को हिंदी डब में देखने को मिलेगी। इसके बाद द एम्प्रेस नाम की एक पॉलिटिकल रोमांटिक ड्रामा सीरीज देखने को मिलेगी 22 नवंबर को हिंदी डब में। इसके बाद आपको 22 नवंबर को ही आपको हिंदी डब में द हेलीकॉप्टर हाइस्ट देखने को मिलेगी जो एक स्वीडिश क्राइम ड्रामा टाइप की सीरीज होने जा रही है। इसके बाद आप सभी को द पियानो लेसन देखने को मिलेगी जो एक पीरियड ड्रामा टाइप की मूवी होने जा रही है जो आप सभी को हिंदी डब में 22 नवंबर को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको 22 नवंबर को स्पेल बाउंड देखने को मिलेगी जो एक एनिमेटेड फैमिली म्यूजिकल ड्रामा टाइप की मूवी होने जा रही है। इसके बाद क्रिएचर कैसेस सीजन 4 देखने को मिलेगी 25 नवंबर को। इसके बाद आप सभी को 27 नवंबर को आवर ल्यूटर सीक्रेट देखने को मिलेगी जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा टाइप की मूवी होने जा रही है। इसके बाद 28 नवंबर को आपको एक टर्कीज थ्रिलर ड्रामा टाइप की सीरीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है असेफ जो आपको हिंदी डब में 28 नवंबर को ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको सेम डेट को यानी 28 नवंबर को हिंदी डब में द मैडनेस नाम की एक थ्रिलर क्राइम ड्रामा टाइप की मूवी देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको इसके अगले दिन यानी 29 नवंबर को द ट्रंक नाम की एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखने को मिलेगी जो आपको सारे एपिसोड 29 नवंबर को ही देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद आपको एक ब्राजीलियन एक्शन एडवेंचर ड्रामा टाइप की सीरीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेना जो आपको हिंदी डब में 29 नवंबर को ही देखने को मिल जाएगी। और 29 नवंबर की आपको हिंदी डब में एक फैमिली ड्रामा टाइप की मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है द स्नो सिस्टर। तो जो भी हो यही मूवी जो सीरीज है जो आप सभी को इस नवंबर नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। यहाँ करीब 29 से 30 मूवी जो सीरीज है जो आपको हिंदी डब में इस महीने नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जो भी हो उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर।